हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा काम सीखना चाहिए जिससे आपको विदेश में इजीली जॉब मिल सके और अच्छी सैलरी मिले। अगर आप अच्छा काम सीखेंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, फ्रेशर हैं और विदेश में जॉब करना चाहते हैं। तो आज आप लोगों को 10 काम के बारे में बताऊंगा जो कि विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं और अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। कम से कम 50,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी, उससे ऊपर मिलेगी, उससे कमती नहीं मिलेगी। लेकिन तो उसके लिए आपको काम के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे आपको कोई जानकारी देने वाला हूँ कौन सा काम है, नंबर वजह आपको बताऊँगा। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, करके जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्क से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है HVAC टेक्नीशियन की। फर्स्ट नंबर की HVAC टेक्नीशियन, क्योंकि विदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, चाहे दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी हो, हर जगह सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर आप HVAC का काम सीख लेते हैं प्लस आपके पास IIT की डिग्री है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। कम से कम इंडिया का 50,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी HVAC टेक्नीशियन का, ठीक है। लेकिन तो आपको काम के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए, और क्योंकि विदेश में सबसे ज़्यादा डिमांड है AC टेक्नीशियन की, HVAC टेक्नीशियन की, चिल्लर टेक्नीशियन की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप HVAC टेक्नीशियन का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। कम से कम आपको 50,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी, चाहे आप गल्फ में किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी हो, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री, ठीक है। तो जो लोग फ्रेशर हैं, HVAC टेक्नीशियन का काम सीख लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरी जॉब है इलेक्ट्रीशियन की। गाइस, गल्फ में इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इंडिया में इलेक्ट्रीशियन की जॉब कर रहे हैं, 20 साल हो जाएगा तो भी आपको 17-18 हज़ार सैलरी मिलेगी। लेकिन तो अगर आप 4 साल 5 साल सीख करके काम ITI करके आप विदेश चले जाते हैं, तो कम से कम आपको 50,000-60,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन तो उसके लिए आपके पास डिप्लोमा और एक्सपीरियंस, जानकारी दोनों होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब आपको इतना सैलरी मिलेगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेते हैं, तो आपको विदेश में बहुत ही ईजिली आपको जो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, क्योंकि कंडक्शन वर्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेते हैं प्लस ITI कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है विदेश में जॉब पाने के लिए। तीसरी जॉब है JCB की। गाइस, मैं ये जो बता रहा हूँ, जो लोग 12 पास है या BA किए हुए हैं, वो लोग काम सीख सकते हैं, ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो JCB का काम सीखना चाहते हैं, तो JCB का काम अभी आप सीख सकते हैं, क्योंकि विदेश में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन तो लाइसेंस आपका इंडिया का होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आकर लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का लाइसेंस आपको आपके पास आएगा तो यहाँ पे आपको गोल्डन चांस मिलेगा, यानी कि आप फर्स्ट टाइम पास हो जाएंगे तो आपका कम पैसे में काम हो जाएगा, यानी कि आधा पैसे में काम आपका हो जाएगा। इंडिया का लाइसेंस नहीं, यहाँ पर आके बनवाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसे लग सकता है, ठीक है। और JCB का लाइसेंस कैसे बनता है, वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप जाके देख सकते हैं कि विदेश में कैसे JCB का लाइसेंस बनवाएं, गाड़ी का लाइसेंस कैसे बनवाएं। तो जो लोग फ्रेशर हैं, JCB का काम सीख सकते हैं। चौथा नंबर का है क्रेन ऑपरेटर का। क्रेन में जैसे टावर क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, तो अगर आप क्रेन का काम सीखना चाहते हैं तो क्रेन का काम सीख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि विदेश में सबसे ज़्यादा कंडक्शन वर्क होता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, सब कुछ यहीं पर है, ठीक है। इंडिया में आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना कि आपको विदेश में पैसा मिलेगा, 70,000-80,000 सैलरी मिलती है। इंडिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35,000-30,000 इतना ही सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन तो आप मेहनत करके लाइसेंस बनवा लेते हैं विदेश में, आपको 70,000-80,000 1 लाख रुपये सैलरी आपको मिलेगी, मोबाइल केयर में चाहे टावर केयर में। तो केयर का काम बहुत अच्छा है, जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। पाँचवा काम है कंप्यूटर ऑपरेटर का। अगर आपका अच्छा एजुकेशन है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप कंप्यूटर का काम सीख लेते हैं, उसके बाद विदेश आते हैं तो आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जॉब है, जैसे कि कैशियर हो गया, डाटा एंट्री की जॉब हो गया, अकाउंटेंट की जॉब हो गया, तो विदेश में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन तो उसके लिए आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको विदेश में ईजिली बहुत जॉब मिल जाएगी, और 2500-3000 दराम सैलरी मिलती है। नियर अबाउट इंडिया का 60-65 हज़ार सैलरी मिलती है, अगर आपके पास अच्छी जानकारी है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो लोग फ्रेशर हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ है विदेश में। लेकिन तो उसके लिए आपको भरपूर जानकारी होनी चाहिए। तो जो लोग फ्रेशर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विदेश में, जो लोग कंप्यूटर काम सीख करके आना चाहते हैं। और छठवीं जो है BMS ऑपरेटर की। जो लोग BMS का काम सीखना चाहते हैं, वो लोग सीख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि BMS का काम हो गया, BMS प्रोग्रामिंग हो गया, उसके लिए थोड़ा इंग्लिश आपको आना चाहिए। तो जो लोग फ्रेशर हैं, BMS का काम सीखना चाहते हैं या सीखने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड है विदेश में, क्योंकि बगैर कोई भी यहाँ पर बिल्डिंग होती है बगैर BMS का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर BMS ऑपरेटर का, BMS प्रोग्रामिंग का सबसे ज़्यादा डिमांड है विदेश में,
और सैलरी बता दो, सैलरी 2000 से लेकर 25-30 हज़ार दरहम तक सैलरी है, यानी कि इंडिया का 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है। तो जो लोग फ्रेशर उनके लिए बहुत अच्छा काम है BMS ऑपरेटर का। चौथा काम है फायर अलार्म टेक्नीशियन का। फायर अलार्म का विदेश में सबसे ज़्यादा फायर अलार्म का काम होता है, इंडिया में उनको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन तो विदेश में हर बिल्डिंग में, हर विले में, हर शॉप में, हर दुकान में फायर का काम होता है। बगैर फायर का काम वो बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं होती, यानी कि बोलिया या यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो पास नहीं करती है। तो अगर फायर अलार्म का काम सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाइस मैं ये जो बता रहा हूँ, ये लोग ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे बार बार से ITI किए हैं, BA किए हैं, BSc किए हैं, उनके लिए और विदेश में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जॉब है, ठीक है ना। हालांकि मेरे कहने के हिसाब से है ना, एक भाषा में ही काम सीखिए, मैं आपको बता रहा, एक सजेशन दे रहा है, आपको सीखना है तो सीखिए, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम सीखना चाहते हैं। और आठवां काम है डक्टिंग का। गाइस जो लोग सोचते हैं कि मैं इंडिया में AC का काम करता हूँ, जैसे स्प्लिट AC, विंडो AC का काम करता हूँ, वही काम से हमको विदेश में मिलेगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिल्लर का काम होता है और डक्टिंग का काम होता है, ठीक है ना, जैसे AHU AFCU का काम होता है। तो अगर आप डक्टिंग का काम सीख लेते हैं तो भी आपको विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा AC में डक्टिंग का काम होता है। जो लोग स्प्लिट AC, विंडो AC का काम सीख करके आते हैं यहाँ पे फेल हो जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जो लोग फ्रेशर हैं वो डक्टिंग का काम सीख के आते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नौवा नंबर है एल्युमिनियम फैब्रिकेटर का। गाइस जो लोग एल्युमिनियम का काम सीखना चाहते हैं उनकी विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे ऊँची ऊँची जो बिल्डिंग बनती है उसमें पूरा ग्लास ही लगता है, तो एल्युमिनियम का उसका फ्रेम होता है, अच्छा डोर भी होता है, हर एक चीज़ एल्युमिनियम का होता है। तो जो लोग एल्युमिनियम फैब्रिकेटर हैं उनकी विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और सैलरी आपको इंडिया का 50,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, इंडिया में उतना नहीं मिलेगी, भले आप 30 साल काम करेंगे एक ही कंपनी में, लेकिन तो विदेश अगर आप सीख के काम आते हैं, आपके पास जानकारी है, तो आपको 50,000-60,000 सैलरी मिलेगी। जो लोग एल्युमिनियम फैब्रिकेटर हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो ग्लास लगा हुआ है, ये एल्युमिनियम में फिटिंग हुआ है, ठीक है। तो विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है एल्युमिनियम फैब्रिकेटर का। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेटर का काम तो सीख सकते हैं, आपके लिए विदेश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दसवां काम है वेल्डर का। गाइस जो लोग वेल्डर हैं, जैसे कि मिग वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग, आर्कर वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग जो है, उनकी विदेश में सबसे ज़्यादा डिमांड है आर्क में जो वेल्डर है। लेकिन तो उसमें कैटेगरी होती है जैसे 3G, 4G, 5G, 6G। तो अगर आप 6G वेल्डर रहेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, 60,000-70,000 सैलरी मिलेगी। तो गाइस ये 10 काम था जो लोग फ्रेशर हैं विदेश में जॉब करना चाहते हैं। ये 10 काम में से अगर आप कोई भी एक काम सीख के अगर विदेश आना चाहते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छा काम भी रहेगा आपका। तो जैसा आप काम सीखेंगे उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, मैं आप लोगों को बताया। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम सीखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई फ्रेशर के लिए सबसे अच्छा काम कौन सा है विदेश में, तो मैं आप लोगों को बताया कि इस 10 काम में से आप कोई भी एक काम सीख करके विदेश आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा, ताकि दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। नमस्कार, जय हिंद।